देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना पक्ष इन दिनों काफी मुश्किलों में घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं मालेगांव शहर मध्य और बाइयों में भी उद्धव बाला साहेब शिवसेना पक्ष लोग छोड़कर जा रहे हैं। जी हाँ, कुछ दिनों पहले हमने आपको दिखाया था कि उद्धव बाला साहेब शिवसेना के शिवबंधन में मालेगांव शहर के साबिक कॉरपोरेटर फरीद कुरैसी अद्वय हीरे पाटिल के हाथों शिवबंधन में बंधे थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपने सभी कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ शिवसेना पक्ष में अद्वय हीरे के नेतृत्व को स्वीकारते हुए पक्ष प्रवेश किया था। लेकिन अब ये सवाल पैदा हो गया है कि अद्वय आबा खुद इन दिनों जेल की सलाखों के पीछे है, तो उस पार्टी का नेतृत्व करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए फरीद कुरैसी ने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया और घर वापसी करते हुए आसिफ शेख की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में वापस शमूलियत इख्तियार कर लिए है। और इन दिनों आप देख सकते हैं कि मालेगांव शहर प्रभाग क्रमांक 3 के सामने जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है, वहां पे फैसला कुन सभा के बाद फरीद कुरैसी ने अपने तमाम हामियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, साथियों के साथ, समर्थकों के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश इख्तियार कर लिया है, पक्ष प्रवेश कर लिया है। हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सवाल के जवाब में ये कहा कि जो आदमी अपने आप को खुद नहीं छुड़ा सकता वो हमारा नेतृत्व क्या करेगा। इसलिए हम उद्धव बाला साहेब शिवसेना ठाकरे पक्ष छोड़कर आसिफ शेख के साथ उनके नेतृत्व को स्वीकार रहे हैं और शिवसेना छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में पक्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जहां उनका महिलाना इस्तकबाल किया गया, उनका सत्कार किया गया और घर वापसी की बात यहां पर की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अद्वय हीरे के जेल जाने के बाद पार्टी में कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है जो पार्टी के पदाधिकारियों को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखे, उन्हें समेट कर रखे। अद्वय हीरे के जेल जाते ही ऐसा लग रहा है कि मालेगांव मध्य और बाह्य में शिवसेना खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया में जाबिर शाह।